हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिचा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस किचन में। आज हम बनाने वाले तीन तरीके से फालूदा। तो ये जो हमारी रेसिपी है, ये एक समर स्पेशल रेसिपी है और इसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं फालूदा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने फीडबैक और कमेंट्स देना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फालूदा बनाने के लिए चिया सीड, या जिसे हम सब्जा भी कहते हैं, इसे हम लेंगे और इसको हम भिगो के रखेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरीके से दिखते हैं। और एक कटोरी में मैं इसे ले रही हूँ 1.5 चम्मच, और ये फूलने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया है और इसे पानी में भिगो के रख दूँगी और ये 10 मिनट के लिए मैं इसे साइड रख दूँगी। और उसके बाद फालूदा बनाने के लिए हमें लगेगा यहाँ पे सेव बनाने वाली जो मशीन होती है उसका यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें फालूदा के लिए फालूदा सेव बनानी होती है, जिसे हम सेवई भी कहते हैं। उसके लिए हमें सांचे की आवश्यकता होगी। मैं मीडियम साइज़ का सांचा ले रही हूँ, ये देखिए सेव बनाने वाला। और इसके बाद मैं इसे खोल के इसमें घी लगा लूँगी। ये प्रिपरेशन हमें पहले ही कर लेनी होती है, क्योंकि हम जब फालूदा के लिए सेव बनाने की तैयारी करते हैं तो उसे ठंडा नहीं होने देना है हमें उसका मिश्रण। तो हम इसमें घी लगा लेंगे थोड़ा सा, और इसे मैं साइड रख दूँगी। ये देखिए, और उसके बाद एक बड़ा बर्तन लूँगी और इसमें मैं 3 से 4 ग्लास पानी डाल दिया है, और इसमें मैं डालूँगी बर्फ, आइस क्यूब डाल देंगे और इसे मैं फ्रिजर में रख दूँगी ताकि ये ठंडा रहे। ये भी हमें पहले से तैयार करना होगा, तो इसे मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। अब हम बनाएंगे फालूदा सेव। तो मैं एक बर्तन ले रही हूँ और उसमें कॉर्नफ्लावर डालूँगी मैं 1/2 कप, और 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है तो इसका 2.5 गुना मैं पानी लूँगी, या मैंने 2.5 कप पानी लिया हुआ है, ये देखिए। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है, तो इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ मैं एक कढ़ाई लूँगी, इसे मैंने गर्म करने नहीं रखा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी इस कॉर्नफ्लावर को, और उसके बाद मैं गैस ऑन करूँगी, और गैस मैंने मीडियम फ्लेम में रखी हुई है अभी। और इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं इस तरीके से, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच शुगर, ताकि जो फालूदा है की सेव है वो हमें फीकी फीकी ना लगे। और इसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम लो कर दीजिए, और उसके बाद इसे लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। ये देखिए ये एकदम से गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो लो रखी हुई है मैंने, ये देखिए ये समेटने लगा है एक तरफ। ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। मुझे 3 मिनट हो गया इसे पकाते हुए, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने गैस की जो फ्लेम है वो बंद कर दी है, और इसे मैं अब इस सांचे में भरूंगी। इसे हमें तुरंत भरना है। आप चाहें तो 2 बार में इसे सेव निकाल सकते हैं, मैं 1 बार में ही निकाल रही हूँ क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है। ये देखिए अब सारा का सारा सांचे में डालने के बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी, और इसके अब हम बनाएंगे फालूदा सेव। तो हमने जिस बड़े बर्तन में बर्फ़ और पानी लेके रखा है उसे हम ले लेंगे। ये देखिए ये एकदम ठंडा है, तो अब इसमें हम सेव निकालेंगे। इसका निकालने का कारण ये है कि जो फालूदा की जो सेव है वो आपस में चिपके ना। ये देखिए इस तरीके से हम जैसे सेव बनाते हैं बस वैसे ही बनाना है। ये देखिए ये बन गई हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया बनी है और एकदम अलग अलग है ये। इसे बनाना बहुत ही आसान है, और इसके बाद इसे हम 1/2 घंटे के लिए थोड़े से सेट होने के लिए रख देंगे। इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है हमें। और अब इसके बाद हम बनाएंगे हमारी पहली रेसिपी, जो है रबड़ी फालूदा, और ये बहुत ही टेस्टी है। तो सबसे पहले मैं एक ग्लास लूँगी और उसमें डालूँगी चिया सीड। आप देख सकते हैं कि जो चिया सीड है वो कितने फूल के ज़्यादा हो गए हैं, तो 1 चम्मच में से डाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी फालूदा सेव। इसे अच्छे से निथार लीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने लंबे लंबे बने हैं। इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा रो अफज़ा। आप चाहें तो रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, और उसके बाद ये मैंने रबड़ी बना के रखी थी घर पर, ये भी एकदम ठंडी है, इसे हम डालेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा चिया सीड और डाल दे रही हूँ। चिया सीड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही ठंडक देते हैं हमारी बॉडी को। फालूदा सेव डाल दीजिए, फिर से हम थोड़ा सी सिरप डाल देंगे इसमें, और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रबड़ी और। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। ये मैंगो के मैंने थोड़े से टुकड़े काट के रखे थे वो मैं डाल दे रही हूँ, स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इससे भी। फिर से चिया सीड डालेंगे, थोड़ी सी फालूदा सेव,
और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फिर से रूह अफ़ज़ा। कितना बढ़िया दिख रहा है ये। और उसके बाद मैं इसे गार्निश करूँगी थोड़े से पिस्ता से। ये देखिए बारीक कटे हुए पिस्ता मैंने डाल रही हूँ। लीजिए तैयार है हमारी रबड़ी फालूदा और ये बहुत ही टेस्टी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। अब बारी हमारी दूसरी रेसिपी की जो है रूह अफ़ज़ा फालूदा। और ये देखिए मैं यहाँ रूह अफ़ज़ा ले रही हूँ और इसे हम ग्लास में इस तरीके से फैला लेंगे, इससे कलर बढ़िया आता है। ये देखिए अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे फालूदा सेव। ये देखिए इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिया सीड एक चम्मच। और अब बारी है वनीला आइसक्रीम की, थोड़ी सी हम वनीला आइसक्रीम डाल देते हैं इसमें। और फिर डालेंगे रूह अफ़ज़ा सिरप और फिर हम डालेंगे यहाँ पे ठंडा मीठा दूध। ये दूध को मैंने पहले ही मीठा कर लिया था और ठंडा भी है। इसे ग्लास को भर लेंगे हम इससे और फिर वन स्कूप हम फिर से वनीला आइसक्रीम डालेंगे इसमें। ये देखिए अब देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। थोड़ी सी चिया सीड डाल दीजिए और फिर फालूदा सेव भी डाल देंगे हम थोड़ी सी। और उसके बाद हम इसे टूटी फ्रूटी से गार्निश करेंगे। लीजिए तैयार है हमारी रूह अफ़ज़ा फालूदा और ये बहुत ही टेस्टी है, आप देख सकते हैं इसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं तीसरी रेसिपी जो की है चॉकलेट फालूदा। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट सिरप लूँगी और एक ग्लास में मैं इसे इस तरीके से पोर कर लूँगी। ये देखिए फैला लिया, इससे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आता है ग्लास में। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिया सीड, एक से डेढ़ चम्मच डाल दीजिए। फालूदा डालेंगे, फालूदा सेव थोड़ी सी। और उसके बाद इसमें डालेंगे चॉकलेट आइसक्रीम एक स्पून और फिर फालूदा सेव डाल देंगे और मीठा ठंडा दूध डालेंगे हम इसमें। और इसे अब मैंने फुल भर लिया है, ये देखिए। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चॉकलेट आइसक्रीम, ये देखिए। फिर डालेंगे हम थोड़ी सी चिया सीड, फालूदा सेव और इसे फिर गार्निश करेंगे चोको चिप्स से। तो लीजिए तैयार है हमारी चॉकलेट फालूदा और ये भी बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। तो लीजिए तैयार है हमारी तीनों रेसिपी और ये बहुत ही ठंडी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसे आप गर्मियों के मौसम में ज़रूर से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और अपने फीडबैक और कमेंट्स देना भी ना भूलें।